इस वीडियो में मैं आपको ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में बताऊंगा जो लूप्स के साथ प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक फॉर लूप लिखिए, फॉर ब्रैकेट ओपन क्लोज डॉलर आई इक्वल टू वन सेमीकोलन डॉलर आई इज लेस देन इक्वल टू टेन सेमीकोलन डॉलर आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। तो ये आपका लूप का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये लूप आपका 10 टाइम रन करेगा। एक इको लिख दीजिए, इको इसमें आप हेलो और वेरिएबल को भी कॉल कर लीजिए और लाइन ब्रेकर भी डाल देते हैं। तो अभी क्या करेगा, हेलो को 10 बार डिस्प्ले करेगा, सेव करके इसको रन करते हैं तो कुछ एरर दिखा रहा है लाइन 12 में, यहाँ पर सेमीकॉलन छूट गया, सेव और रिफ्रेश। तो देखिए 10 बार आपका हेलो आ रहा है। अब ब्रेक का काम क्या है, ब्रेक का काम क्या है, जैसे ये लूप 10 बार रन करेगा, मान लीजिए हमें 5 बार रन कराने के बाद इसको ब्रेक कर देना है कि आगे रन नहीं करना चाहिए, तो ये कैसे होगा, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ लिखेंगे इफ डॉलर आई इक्वल टू 5 ब्रैकेट्स में ब्रेक। तब ये क्या करेगा कि लूप ये 1 से 10 बार रन करेगा और हर बार पहले ये हेलो डिस्प्ले करेगा 1, 2, 3, 4, 5 से 10 तक। अब ये जैसे हमने 5th में ब्रेक लगा दिया तो ये 6th में नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा, 5 बार ये डिस्प्ले करने के बाद ये रुक जाएगा। अब इसको हम सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए पहले 5 बार रन किया और 5 के बाद ये रुक गया। अगर हम चाहते हैं कि 5वां मैसेज भी डिस्प्ले ना करे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो इको है इसको इफ के ऊपर की जगह इफ के आप नीचे रख दीजिए। तो जैसे ये 5th आएगा ये ब्रेक कर देगा तो यहाँ तक कोड जाएगा ही नहीं। जैसे ही ये ब्रेक रन होता है उसके बाद ये सीधा का सीधा ये आपका इससे बाहर में आ जाता है, तो फिर आपका ये रन होगा ही नहीं। रन करके देखते हैं, जैसे पिछली बार 5 आए थे तो देखिए इस बार 4 आ रहे हैं। तो ये ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है जब आपको प्राइम नंबर निकालना हो, जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा प्राइम नंबर है, एक बड़ा नंबर है, तो आप उसको हर एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर करके देखते हैं, तो जैसे ही पता चलता है कि वो डिजेबल हो रहा है तो आगे फिर वो लूप चलाना बेकार हो जाता है, तो फिर ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। अब हम कंटिन्यू करके देखते हैं। कंटिन्यू क्या करेगा कि सिर्फ 5th को इग्नोर करेगा, बाकी सारा ये रन करेगा। अब हमने कोड लिख दिया है, इसको रन करके देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करिए। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक आपका ये आ रहा है, लेकिन 4 के बाद सीधा 6 आ गया, क्योंकि ये क्या करता है कि आपका ये चेक करेगा कि ये 5 नहीं है तो इसको रन करने देगा, और जैसे इसको पता चला कि ये 5 है तो नीचे का कोड को रन नहीं करने देता ये। लेकिन अगर हम इसको अगर यहाँ पर ऊपर ले आए तो अब कंटिन्यू के नीचे तो कोई कोड है ही नहीं, तो फिर ये बेकार हो जाता है। इसको रन करके देखिए, तो देखिए 4 और 6 के बीच में 5 नहीं है, बाकी सारे हैं। जैसे आप इसको प्ले करेंगे तो देखिए 1 से लेकर 10 तक आ गया, 5 भी आ गया, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू लिखते हैं तो उसके नीचे कोड होना ज़रूरी है, नहीं तो ये फिर ये इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। तो इसको कट करके इसके नीचे, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही इसने कंटिन्यू देखा इसके नीचे का कोड ये रन नहीं करने देगा और ये सीधा नेक्स्ट में चला जाएगा। तो फिर से रन करके देखते हैं, तो देखिए 4 के बाद 6। तो इसी प्रकार ब्रेक और कंटिन्यू का हम यूज़ ले सकते हैं।
धन्यवाद।